मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए दोस्तों आपको एक्स मानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। आसान तरीका बता रहा हूं, बहुत ही आसान तरीका। पहले एक बार क्या करिए, प्रश्न को दोस्तों ध्यान से पढ़िए। प्रश्न है दोस्तों, यदि हितेश 40 वर्ष का है तथा रोनी 60 वर्ष का है, तब कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 होगा, ये पूछ रहा है। देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीका क्या है दोस्तों, यहाँ पे दो लोगों का आयु का दिया है। देखिए हितेश 40 वर्ष का है दोस्तों और रोनी क्या है 60 वर्ष का है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, हितेश कितने वर्ष का, 40 वर्ष का, और रोनी कितने वर्ष का है दोस्तों, 60 वर्ष का। पूछ रहा है कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 होगा, कितने वर्ष पहले पूछ रहा है। तो देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो मेथड हम यूज करेंगे, मेथड का नाम है गो थ्रू ऑप्शन, हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, सेकंड में आंसर आ जाएगा। मानेंगे दोस्तों पहला ऑप्शन 5 वर्ष पहले 3:5 होगा। पहले देखिए 5 वर्ष पहले दोस्तों यहां हितेश की आयु क्या हो जाएगी, 40 में 5 कम करेंगे तो क्या हो जाएगी, 35 हो जाएगी, और 60 में से 5 कम करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। यहां पे देखिएगा रेशियो क्या होगा दोस्तों, 5:37, 5 से 11 बचे 55 होता है, ठीक है, 7:11 हो रहा है, यहां पे 3:5 बोल रहा है, पहले ऑप्शन से नहीं हो रहा है। दूसरे ऑप्शन में दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 10 वर्ष मान लेंगे, 10 वर्ष पहले हितेश दोस्तों क्या है 40 वर्ष का है, तो 10 वर्ष पहले उम्र क्या रही होगी 30 वर्ष, और रोनी 60 वर्ष का है तो 10 वर्ष पहले क्या रही होगी दोस्तों 50 वर्ष। तो यहां पे देखिए 30 और 50 का रेशियो बन रहा है, देखिए 10 तिहाई 30 और 10 पचे 50, 3:5 यहां पे हो रहा है, और यहां पे कह रहा है दोस्तों कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 होगा, तो आंसर होगा दोस्तों 10 वर्ष पहले। देखिए 10 वर्ष पहले क्या हो जा रहा है, तो हितेश 30 वर्ष का हो जा रहा है, रोनी 60 वर्ष का, सॉरी रोनी 50 वर्ष का, तो 3:5 का रेशियो हो जा रहा है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 वर्ष पहले। देखिए दोस्तों इसे अगर आप सॉल्व करते हैं, गो थ्रू ऑप्शन सॉल्व करते हैं, सेकंडों में आंसर आ जाएगा, आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं, एक्स मानने की भी जरूरत नहीं है। और हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं दोस्तों, समझ में आ रहे हैं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके जरूर जुड़ जाइए, ताकि आगामी एग्जाम के लिए दोस्तों हम जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो दें उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, आसान तरीका बता रहा हूं, पहले एक बार प्रश्न को दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है दोस्तों, एक रेलगाड़ी में सेना के कुल 1200 व्यक्ति यात्रा कर रहे हैं, जिनमें कुछ जवान और कुछ कप्तान हैं, प्रत्येक 15 जवानों पर एक कप्तान नियुक्त है, बताइए इस समूह में कुल कितने कप्तान हैं। अब यहां पे प्रश्न को थोड़ा सा समझिएगा दोस्तों, मैथ के प्रश्न आप कभी भी सॉल्व करिए, प्रश्न समझने का प्रयास जरूर करिए। टोटल कितने लोग दोस्तों सेना के, टोटल कितने यहां पे जवान है ध्यान दीजिएगा, यहां पे कुछ जवान है और कुछ कप्तान है, यानी दोनों को मिला के दोस्तों 1200 व्यक्ति हैं, ध्यान दीजिएगा सेना के कुल 1200 व्यक्ति हैं, जिसमें से दोस्तों कुछ क्या है जवान है और कुछ कप्तान है, और प्रत्येक दोस्तों 15 जवानों पे क्या है दोस्तों एक कप्तान है, ध्यान दीजिएगा 15 जवान है तो एक कप्तान है, रेशियो 15:1 का, यानी 15:1 का रेशियो है। अब दोनों को दोस्तों जोड़ने पे रेशियो क्या होगा, 15:1 जोड़ेंगे तो दोस्तों 16 होगा, ध्यान दीजिएगा 16 रेशियो बराबर टोटल कितने व्यक्ति हैं 1200, 16 रेशियो बराबर दोस्तों हम कह सकते हैं 1200 है, तो एक रेशियो बराबर दोस्तों क्या होगा आप बताइए, 1200 को 16 से काटेंगे, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा ध्यान दीजिएगा 16:7 दोस्तों क्या होगा 112, और यहां पे 80 होगा, 16:5 80, एक रेशियो बराबर क्या है दोस्तों 75, और पूछ क्या रहा है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बताइए इस समूह में कुल कितने कप्तान हैं, कप्तान की रेशियो क्या है दोस्तों एक है, और एक रेशियो बराबर क्या है दोस्तों 75, तो आंसर होगा दोस्तों 75, यानी कुल इसमें कप्तान कितने हैं दोस्तों 75 है। देखिए 75 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में है, आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगर दोस्तों ये पूछे कि जवानों की संख्या कितनी है तो हम 15 रेशियो की वैल्यू निकालते, ठीक है, तो एक रेशियो बराबर 75, तो 15 रेशियो बराबर 15×75 आप ऐसे कर सकते, ठीक है, सिंपल है कि नहीं, बहुत आसान है, और हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, लाइक शेयर जरूर करिए, चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाइए दोस्तों, इसलिए कहते हैं जुड़ने के लिए आपको, ताकि जुड़ जाएंगे तो आपके एग्जाम के लिए हम जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो
देंगे उसकी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, ठीक है, तो जरूर जुड़िए। चलिए आगे देख, प्रश्नों को भी सॉल्व करने के लिए पेन उठाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आसान तरीका बता रहा हूं। एक बार प्रश्न को पहले ध्यान से देखिए। प्रश्न है दोस्तों, पांच संख्याओं का अंगणितीय माध्य 27 है, यदि उनमें से एक संख्या हटा दी जाए तो माध्य 25 हो जाता है, हटाई गई संख्या है, जो हटाई गई संख्या है उसे आपको बताना है। यहां पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बोल कह रहे हैं पांच अंगणितीय, देखिएगा पांच संख्याओं का अंगणितीय माध्य, माध्य मतलब औसत, पांच संख्याओं का दोस्तों औसत यानी कह सकते हैं 27 है। यहां पे लिखा है तो पांच संख्याओं का टोटल संख्याओं का योग क्या होगा, 5 × 27, तो 27 × 25 क्या होता है दोस्तों, 135 होता है, ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिए। अब देखिए, अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बोल रहे हैं उनमें से एक संख्या हटा दी जाए, एक संख्या हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, चार संख्या हो जाएगा, तो माध्य क्या हो जा रहा है, 25 हो जा रहा है, तो चार संख्याओं का योग क्या होगा, 4 × 25, तो 25 को क्या होता है दोस्तों, 100 होगा। अब यहां पे ध्यान दीजिए, कह रहे हैं हटाई गई संख्या है, हटाई गई संख्या कौन है दोस्तों, 5 में से 4 कम करेंगे तो 1 आएगा जो हटाई गई संख्या है, और 135 में से 100 कम करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 35 आएगा, यानी हटाई गई जो संख्या है वो क्या है दोस्तों, वो आपका 35 है, क्या है दोस्तों, वो 35 है। देखिए 35 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में है, आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। देखिए पेन उठाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस हम आपको समझाने के लिए इतना लिखे ताकि आप अच्छे तरीके से समझें। आप तो चाहें तो यहीं पर कर सकते थे, 5 × 27 करेंगे 135 होगा, फिर एक संख्या हटा दी गई तो 4 × 25 करेंगे, ठीक है, तो 25 × 100, 135 में से दोस्तों 100 घटाएंगे तो 35 होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, हटाई गई संख्या 35 हो जाएगी। बस इतना ही करना है दोस्तों, एक्स मानने की कोई इसमें जरूरत नहीं है, और हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन तक देखिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्नों को दोस्तों ध्यान से देखिए। देखिए चौथा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, प्रश्न को पढ़िएगा, और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट किया है। क्वेश्चन है दोस्तों, 15 महिलाएं या 9 पुरुष किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 15 महिलाएं और 15 पुरुष मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। देखिए प्रश्न में ये बोल रहा है 15 महिलाएं या 9 पुरुष, इसका मतलब होता है दोस्तों 15 फीमेल, ठीक है, बराबर है दोस्तों 9 पुरुष यानी कि 9 मेल के बराबर है, ठीक है, समझिएगा 15 महिलाएं काम करेंगी तो 24 दिन लगेगा, या 9 पुरुष काम करें तो भी क्या लगेगा, 24 दिन लगेगा, तो इसका मतलब हो गया दोस्तों 15 महिलाएं बराबर है 9 पुरुष के, ठीक है। तो यहां पे कह रहा है दोस्तों नीचे, तो बताइए 15 महिलाएं और 15 पुरुष मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो यहां पे आप पुरुष ले लीजिए या महिला ले लीजिए, कोई भी लेंगे प्रश्न का आंसर आ जाएगा, तो यहां पे हम पुरुष लेते हैं, 9 पुरुष दोस्तों किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 24 दिन में कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा M1D1 बराबर M2D2 फॉर्मूले से सॉल्व करें, ठीक है। अब आगे करें, यहां 15 महिलाओं की जगह हम क्या रख सकते हैं दोस्तों, 9 मेल, 9 पुरुष रख देंगे, 9 पुरुष यहां पे और कह रहा है, और का मतलब प्लस, ठीक है, 9 पुरुष और 15 पुरुष मिलके दोस्तों क्या होंगे, 24 पुरुष, बोल रहा है कि 9 महिला यानी सॉरी देखिएगा 15 महिलाएं और 15 पुरुष, तो यहां पे यूनिट बराबर रखना है, एक रखना है, कहने का मतलब है यहां पे भी महिलाओं को पुरुष में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 15 महिलाएं बराबर हम लिखे 9 पुरुष, तो 15 महिला है तो 9 पुरुष ही है, 15 पुरुष ही है, तो कुल मिलाकर 24 पुरुष हो जाएंगे, उस काम को कितने दिन में करेंगे, D2 दिन में करेंगे, ये 24 बराबर किधर, गुने में बराबर किधर आएगा, तो भाग में हो जाएगा, 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा, D2 बराबर क्या होगा दोस्तों, 9 दिन, यही आंसर हो जाएगा, यानी 15 महिला और 15 पुरुष मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, 9 दिन में। देखिए 9 दिन किस ऑप्शन में, देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में है, आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देखिए पेन उठाने की इसमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप चाहें तो बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं। 9 पुरुष किसी कार्य को दोस्तों 24 दिन में कर रहे हैं, और 15 महिलाएं 15 पुरुष बोल रहे हैं, 15 महिलाओं की जगह पे दोस्तों हम क्या रखेंगे, 9 पुरुष रख देंगे, 9 पुरुष और 15 पुरुष मिलके दोस्तों क्या होंगे, 24 पुरुष, 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा, 9 दिन आ जाएगा आंसर डायरेक्ट, आप चाहें तो बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों इस प्रश्न को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और एक बात और बता दूं दोस्तों, अगर आप मैथ बेसिक से जीरो लेवल से और चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं
तो सेकंड वाले चैनल से आप लोग जरूर जुड़ जाइए। सेकंड वाले चैनल का नाम एग्जाम फिनिशर है, जिसका लिंक दोस्तों हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। आप चाहें तो यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं एग्जाम फिनिशर। उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। उस चैनल पर दोस्तों बेसिक मैथ पार्ट वन से लेकर पार्ट फाइव तक कंप्लीट किया हूं, जिसमें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया हूं। और उस चैनल पर दोस्तों परसेंटेज की भी फुल क्लास चली है, तो उस चैनल से भी जुड़ के आप लोग लाभ जरूर उठाइए। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पेन उठाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, प्रश्न को एक बार ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है दोस्तों, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से चल रही है। रेल पथ के पास खड़े एक व्यक्ति को पार करने में इसे कितना समय लगेगा? तो दोस्तों आपको सिंपल फार्मूला एक बताया हूँ, चाल बराबर दूरी बटा समय, और समय बराबर दूरी बटा चाल। तो यहाँ समय पूछ रहा है, तो समय बराबर क्या होगा? दूरी बटा चाल। दूरी क्या है दोस्तों? 100 मीटर है। चाल क्या है दोस्तों? 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। 120 किलोमीटर प्रति घंटा को दोस्तों हम क्या करेंगे? मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे, क्योंकि यहाँ पे समय सेकेंड में दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे 120 को हम मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। ये भागे में 18 है, तो यहां से हटा के आप ऊपर कर लीजिए, गुने में 18 हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा। समझ रहे? अब देखिए कुछ नहीं करना है दोस्तों, 5 से कटाइए, 5 गुना के 10, 20 बार में 20, 6 120, 6 और 6 3 18। आंसर क्या आएगा दोस्तों? आंसर आ गया आपका 3 सेकंड। क्या आया दोस्तों? आंसर आया 3 सेकंड में पार करेगी, यानी कि रेल पथ के पास खड़े व्यक्ति को, एक देखिएगा व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी ट्रेन? 3 सेकंड। देखिए 3 सेकंड किस ऑप्शन में है? देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में है। आपको ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो गया? सही हो गया। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 120 किलोमीटर को हम क्या किए हैं दोस्तों? मीटर पर सेकेंड में बदले हैं, तो 5/18 से गुना किए हैं। ठीक है, देखिए किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं, और मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए दोस्तों क्या करते हैं? 18/5 से गुना करते हैं। ठीक है, इसे आप दोनों को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि दूरी यहां पे मीटर में दिया है, और चारों ऑप्शन में क्या है दोस्तों? समय सेकंड में है, इसलिए दोस्तों हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदले हैं। ठीक है, कहीं पे भी आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और हम उम्मीद करते हैं आप प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए